दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, झटका मार के गाड़ी बंद हो जाती है, फिर डायरेक्ट स्टार्ट करें तो स्टार्ट नहीं होती है, और चाबी बंद करके चालू करें तो स्टार्ट होती है, और गाड़ी जैसे ही झटका मारती है तो गाड़ी झटका मारती है, झटका मारने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, और जब गाड़ी बंद होती है और झटका मारती है तो कुछ लाइट भी नहीं आता है और ना कुछ होता है, डीजल भी एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग वही चेक करने वाले हैं इसका। गाड़ी चलते चलते जैसे झटका मारता है थोड़ा दो कदम चलती है फिर गाड़ी बंद हो जाती है। इसके अंदर यह प्रॉब्लम है, झटका मार के बंद होना, झटका मार के बंद हो जाती। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं काम, इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर हम आपको दिखाएंगे आगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम पंप खोल के चेक करेंगे, IMV पंप ये वाला। इसके पंप के अंदर का जो रोलर है वो हम निकाल के चेक करेंगे, फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे, पंप खोलने के बाद क्या निकलता है वो हम आपको दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको भी पता चले, आपको भी थोड़ा नॉलेज मिल जाए इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम के लिए क्या क्या, ये प्रॉब्लम आता है तो हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। जिस भाई के पास स्कैनर नहीं है उसको तो यही ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप कैसा चेक करें। तो चलिए हम लोग पहले पंप खोलते हैं, फिर तो उसके बाद रिजल्ट देखते हैं इसका क्या है। मुदस्सर भाई इसका पंप खोल रहे हैं, दोस्तों पंप भी हम लोगों ने खोल दिए, अब चेक करेंगे उसका रोलर। ये दिखा रोलर, देख सकते हो पंप निकाल दिया है। ये देखिए ये रोलर है, इसको घुमा के चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये भी कंप्लीट है, ये भी सही है। अब हम उसको वापस लगाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस चेक करेंगे। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों पंप हम लोगों ने फिटिंग कर दी है, अब आगे का स्टेप है रेल प्रेशर सेंसर, ये वाला देखिए। अब ये हम लोग नया डालने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नया, ये वाला है देखिए, इसको हम नया डालेंगे। ये रेल प्रेशर सेंसर को, इसको रेल प्रेशर सेंसर बोलते हैं, ये डाल के हम लोग चेक करेंगे। फाड़ उसको, ये देखिए दोस्तों बता, ये नया वाला रेल प्रेशर है, देख सकते हो आप। ये हम लोग ये डालने वाले हैं, पहले इसको खोलेंगे, इसको खोलो, ये देखिए ये जूना, अब ये नया डालेंगे, देख सकते हो प्लेडल।
ज़्यादा टाइट नहीं करना रहता है दोस्तों, नहीं तो टूट जाता है। अभी सॉकेट लगाओ, ठीक है दोस्तों। सॉकेट भी लगा दिए हम लोगों ने, कपलर ऑयल प्रेशर सेंसर का कपलर भी लगा दिए। देखिए दोस्तों, एयर वेयर निकाल के हम लोगों ने उसको चालू किए है। अभी राउंड मारेंगे हम लोग, पूरा एयर निकाल के, एक नंबर नोजल में से एयर निकाल के तो स्टार्ट करके अभी हम लोग राउंड मारने वाले हैं। राउंड मार के चेक करेंगे, तो चलिए दोस्तों अभी राउंड मारते हैं, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग राउंड मारने आए हैं। गाड़ी का नज़ारा देख लो, गाड़ी का कोई भरोसा नहीं। गाड़ी ऐसी वाइब्रेशन कर रही है, कभी भी कुछ भी छुट्टा हो जाएगा। बस खाली अल्लाह से दुआ करो हम लोग सही सलामत बच जाएंगे। अरे दोस्तों, गाड़ी का राउंड मारने आए। देखिए मैं आगे का आपको दिखाता हूँ, पकड़ ऐसे चालू कर देना। ठीक है दोस्तों, हम लोग राउंड मार रहे हैं, झटका वटका कुछ नहीं मारा है। दोस्तों सब कंप्लीट है, राउंड भी मार लिया हम लोगों ने। अभी होटल पे रुके हैं, वो भाई खाना ले रहे हैं होटल पे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये नवा होटल है, वहाँ पर अपनी गैरेज है दोस्तों, देख सकते हो। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अभी गैरेज पे जाके स्केल लगा के हम लोग चेक करेंगे। तो अभी तो कोई झटका नहीं, कुछ नहीं आया, लाइट भी नहीं आया, लाइट तो आ ही नहीं रहा था। अभी चेक करेंगे वापस एक बार राउंड मार के, एक बार तो राउंड मार दिया, अभी दूसरी बार हम लोग चेक करेंगे। एक आधा किलोमीटर के अंदर ही ये प्रॉब्लम आती थी, तो अभी हम लोग ने 2 किलोमीटर का राउंड मारे हैं, अभी वापस और 2 किलोमीटर का राउंड मारेंगे, चेक करेंगे क्या रिजल्ट है, फिर हम आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या रेल प्रेशर से हुआ है या दूसरे प्रॉब्लम से हुआ है। तो चलिए दोस्तों राउंड मारते हैं, राउंड मारने के बाद गैरेज पे जाते हैं। तो हम लोग उसका राउंड मार के आ गए हैं, प्रॉब्लम तो अभी कुछ नहीं आया, अभी हम लोग उसको वापस नया दूसरा उसका जो पुराना है वो डाल के देखेंगे, फिर राउंड मार के देखेंगे तो पता चल जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। इसको दूसरा उसका जो पुराना है वो डाल के इसको राउंड मारने वाला हूँ। तो चलिए उसको खोल के पूरा पुराना डालते हैं। दोस्तों पुराना वाला डाल दिया हूँ, ये नया वाला है देख सकते हो आप।
ये नया वाला निकाल के पुराना वाला डाला, देख सकते हो आप पूरा मिट्टी भी लगा हुआ है इसके ऊपर। अभी इसको सॉकेट लगाएंगे कपलर। देखिए दोस्तों राउंड मार रहे हैं हम लोग, जूना डालने के बाद भी अभी तक कोई लाइट नहीं आया। डालोगे सकते हो दोस्तों, गाड़ी एकदम कंप्लीट चल रही है। लाइट वाइट कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों, देखिए चूना डालने के बाद कंप्लीट हो गया है दोस्तों। भाई का नसीब है, दोस्तों गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब है रेल प्रेशर सेंसर का प्रॉब्लम नहीं था, उसको नया लगाने के बाद हम लोग प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। फिर उसके बाद जूना लगाए तो प्रॉब्लम उसका सोल्व हो गया। तो जूने के अंदर भी गाड़ी झटका मार रही थी, फिर हम लोग ने नया डाल के चेक किए, जो आपने देखा होगा, तो ना लाइट आ रहा था, खाली झटका मार के बंद हो जा रहा था। तो उसको स्टार्ट करा तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, चाबी बंद करके चालू कर रहे थे तो स्टार्ट हो रहा था। हम लोग ने नया डाले उसको रेल प्रेशर सेंसर को, फिर राउंड मारे तो प्रॉब्लम उसका सोल्व हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग ने इसका जो पुराना वाला है रेल प्रेशर सेंसर, ये वाला, ये तो नया है, ये हम लोग ने काट के उसका जो पुराना वाला है वो भी हम लोग ने इसको वापस के अंदर डाल दिए। डालने के बाद हम लोग ने राउंड भी मारे, राउंड मारने के बाद कोई लाइट ना कोई झटका नहीं, कोई बंद नहीं पड़ा था। तो ऐसा भी होता है क्या, नया डालने के बाद उसके बाद पुराना लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो जाता है, होता है बहुत गाड़ी में, मैंने किया भी हूँ, ऐसा होता ही है। कोई कोई गाड़ी में ऐसा ज़्यादा करके गाड़ी में तो ख़राब ही होता है, लेकिन जिसका नसीब अच्छा है उसका ये प्रॉब्लम उसका सक्सेस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आप भी इस तरह करते रहिए, एक बार चेक करिए, स्टेप बाय स्टेप आप चेक करिए। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, ये प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसका जो रोलर है पंप का वो चेक करिए, पंप चेक करिए, फिर उसका जो DVR है सोलेनोइड, उसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका सॉकेट का कपलर का वो जो वायर आता है वो कटा है तो भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर DVR ख़राब हो तो भी यह प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग ने स्टेप बाई स्टेप चेक किए और ये भी हम लोगों ने नया डाल के चेक किए तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों आप भी चेक करिए ऐसा, अगर आपके यहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है तो आप भी इसी तरह चेक करते रहिए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।